महाजन, गुड आफ्टरनून. पहले तो सर, नंबर्स पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि प्रॉफिट्स और मार्जिन्स क्यों प्रेशर में आए और क्या आगे ट्रेंड्स दिख रहे हैं इस तरीके के, कब आप यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे. थैंक यू स्वाति जी फॉर हैविंग मी. देखिए, ऐसा है कि जैसा मैं पहले भी आपके चैनल पे कुछ बार आ चुका हूं और मैंने पिछले एक डेढ़ वर्षों से जब से यहां पर अपना रोल संभाला है तब से ये कहा है कि केयर रेटिंग्स जो है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है और वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो है उसके ऊपर हम एकदम एब्सोल्युटली फर्मली और कमिटेड तरीके से खड़े हुए हैं. हम नतीजों को इस तरह देखते हैं कि हमने एक हमारा जो बिजनेस है वो पूरा कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग्स का बिजनेस है जिसमें हम बिजनेसेस को रेट करते हैं. अगर देश में क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री को और सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बढ़ेगा नहीं तो हमारा बिजनेस जो है वो फ्लैट टू मतलब सोम्बर रहता है, बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है. और जैसा आप जानते हैं अप्रैल से अगस्त 2021 में क्रेडिट ग्रोथ -1.6% आया है एज ग्रोथ टू इंडस्ट्री एंड टू सर्विसेज. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्रेडिट तो हमारे लिए अपना बिजनेस को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा बिजनेस क्रेडिट ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड बिजनेस है. अगर वो ग्रोथ 10% आए या 5% आए तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है और अगर वो ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्चुअली कम होती है क्रेडिट मार्केट में तो फिर हमारे लिए रेवेन्यूज को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसके बावजूद हमने फर्स्ट हाफ में अपने रेवेन्यूज में 6% की बढ़ोतरी की है जिससे हम अपने आप को अपनी नजरों में हम सेटिस्फाइड है इस रेवेन्यू परफॉर्मेंस से. ऑफकोर्स हमें और अच्छा करना चाहिए और हम करते रहेंगे लेकिन हम इस परफॉर्मेंस से अपने लिए अपने तौर पर सेटिस्फाइड है कि हमने अपने टोटल रेवेन्यूज को 6% ग्रो किया है फर्स्ट हाफ में. अब बात करते हैं आगे की कि जैसा आपने कहा कि अब आगे आपको कैसा लगता है. देखिए, हमारी उम्मीद तो यही थी कि हम इस साल भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता हुआ देखेंगे लेकिन अभी तक वो ग्रोथ आई नहीं है. मेरे ख्याल से कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी और उससे पहले जो भी बैंक्स में एनपीएस वगैरह बढ़े थे काफी तेजी से उससे निकलते हुए मुझे लगता है ये साल निकल जाएगा और अगले साल शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. सप्लाई शॉर्टेजेस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जियोपॉलिटिकल एलियनेशन हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं बहुत तेजी से और कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं जैसा आपने भी अपनी चैनल में काफी बार कहा है. तो उससे क्या हो रहा है कि सप्लाई में जब डिस्टॉर्शन आएंगी तो कैपेसिटी एक्सपेंशन और कैपेसिटी इंक्रीजेस विल बिकम अ नेसेसिटी. अभी तक वो हुआ नहीं है पर हमें लगता है कि 2022 से डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी और उस इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने से हमारी रेटिंग्स का जो कोर बिजनेस है उसमें डेफिनेटली आगे जाते हुए हमें अच्छा दिखता है. अभी ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अच्छा होगा. ओके, श्योर. सो आपका ये कहना है कि क्रेडिट ग्रोथ से क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपका बिजनेस, वहां पर ग्रोथ आएगी तो आपके नंबर्स पर इफेक्ट होगी एंड क्लियरली वो नहीं हुआ है, इस वजह से नंबर्स थोड़े से सोम्बर दिख रहे हैं. आप हालांकि सेटिस्फाइड आप कह रहे हैं, बट सर मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके की रिकवरी देखी इस बार और कितने क्लाइंट्स एड किए गए हैं इस क्वार्टर में, क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं क्लाइंट एडिशन को लेकर. सर देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स तो मेरे पास नहीं है लेकिन हमने काफी क्लाइंट्स ऐड भी किए हैं. लेकिन जैसा आप जानते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री काफी कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, इसमें 7 प्लेयर्स हैं और अगर क्रेडिट ग्रोथ सोबर रहती है तो वो जो 7 प्लेयर्स हैं उनके बीच में काफी क्लाइंट्स विन और लॉस उन्हीं के बीच में काफी रहता है. इंक्रीमेंटल क्रेडिट अगर कम रहता है तो उसके कारण नए क्लाइंट्स एडिशन जो है वो नॉर्मली यू नो दूसरी एजेंसीज के लोग से क्लाइंट्स लेके अपने पास आना होता है और वो क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लाना होता है जो बहुत मुश्किल काम है. और क्योंकि हमने ये आपको क्लियरली बताया था कि हम अपनी जो रेटिंग क्वालिटी है, रेटिंग प्रोसेसेस है, रेटिंग सुपरविजन है, रेटिंग गवर्नेंस है उसके ऊपर बहुत फोकस्ड है और हम शॉर्ट टर्म में अगर उसके कारण हमारा कोई क्लाइंट रेटिंग से डिसअपॉइंट होकर जाता भी है तो हमें उसको अच्छा नहीं लगता है लेकिन हम रेटिंग्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये हमारी फिलॉसफी है. Okay. तो उसके चलते हुए हमने काफी क्लाइंट्स ऐड भी किए हैं इस क्वार्टर बट मेरे पास एग्जैक्ट उसकी संख्या नहीं.
ओके श्योर डेफिनेटली क्लाइंट एडिशन हुए हैं, संख्या आप नहीं अभी बता पा रहे हैं, बट सर ये क्वार्टर पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले कैसा रहा अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्रेश रेटिंग्स, किस तरीके की डिमांड कंपनीज की तरफ से आ रही है और आप आगे चलकर अगर हम बात करें आउटलुक क्या लग रहा है कॉर्पोरेट रेटिंग्स का इन द H2 FY 22 में सर? स्वाति, जैसे मैंने आपको कहा कि क्रेडिट ग्रोथ अगर बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगी, लेकिन इस जो फर्स्ट हाफ है इसमें हमने कुछ बड़े अकाउंट्स ऐड किए हैं। जैसा आप जानते हैं कि क्रेडिट काफी रैशनलाइज हुआ है, कुछ बड़े बिजनेसेस एक्वायर हुए हैं कॉर्पोरेट इंडिया में, तो वो जब नए बिजनेसेस एक्वायर होते हैं तो उनमें भी अपॉर्चुनिटी आती है टू डू द रेटिंग ऑफ द एंटायरली न्यू पूल ऑफ एसेट्स दैट बिजनेस ए एक्वायर्स फ्रॉम बिजनेस बी। So we are seeing improvements in those type of ratings where acquisition वगैरह हो रहा है या कोई नया business खड़ा किया गया है या किसी बड़ी company ने एक छोटी company के assets खरीदे हैं, उसमें हमें काफी बढ़ोतरी दिखी है। और हमने अपना जो financial services से related PTC business है, direct assignments का business है, securitization का business है, उसमें हमारी definitely कुछ तरक्की हो रही है और आगे भी होती रहेगी। और जैसा आपने कहा, आपका सेकंड सवाल है कि आगे जाके आपको कैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस डेफिनेटली इंप्रूव होगा साइक्लिकली। ये 3-4 साल से ये बिजनेस काफी सॉफ्ट चल रहा है रेटिंग्स का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज सम शॉर्ट डिस्टेंस अवे नाउ एंड वंस इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द इकोनॉमी पिक्स अप वी विल बी डेफिनेटली इन अ मोर एक्सुबरेंट पोजिशन टू एक्सप्रेस आवर रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके फेयर इनफ सर, ये बात समझ में आ गई कि आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट ये साल के बाद ये साल खत्म होने के बाद उम्मीद है कि कॉर्पोरेट साइकिल एक तरह से पिकअप आ जाएगा और वो हेल्प करेगा। सर क्योंकि नंबर्स इस वक्त देख रहे हैं हम Q2 FY 22 के कंपनीज की तरफ से आते हुए रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरीके के अपग्रेड्स आप देख रहे हैं, अभी तक कितने अपग्रेड्स आप के हिसाब से आएंगे या आप कॉशियस हैं ऑन द वैल्यूएशंस क्योंकि बहुत रनअप भी हुए हैं कई कंपनीज, थोड़ा सा भी यहाँ पर करेक्शन भी हम थोड़ा मोड देख रहे हैं, सो आपकी असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है इस पर? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रॉम एन इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत बाजार में बहुत तेजी है। उसका एक फायदा क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज को यह होता है कि वो डीलेवरेज करते हैं, डिलीवर करते हैं, मतलब वो अपने डेट्स को रीपे कर लेते हैं और वो इक्विटी अच्छे प्राइस पर उनको इक्विटी मिल जाती है। तो वो हम मैंने आपको पहले भी कहा कि पिछले 2-3 साल से कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी रही हैं, उसके कारण क्रेडिट जो है उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो क्रेडिट लाइट हो गई है, उनका डेट कम हो गया है और उनका डेट कम होने से रेटिंग एजेंसीज के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, बट उसके कारण अपग्रेड्स तो डेफिनेटली हुए हैं। मेरे ख्याल से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि पिछले 10 साल में इस फर्स्ट हाफ के अंदर हाइस्ट लेवल ऑफ अपग्रेड्स हुए हैं। दूसरी रेटिंग एजेंसीज के नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमारे क्रेडिट रेशियोज जो हैं वो डेफिनेटली अच्छी तरह से ऊपर गए हैं, मतलब 2:1 का रेशियो रहा है फर्स्ट हाफ में। इसका मतलब ये कि अगर हमने 3 कंपनीज हमारे कोई भी 3 कंपनीज अगर हम अपने पोर्टफोलियो से उठाएंगे तो उसमें एवरेज औसतन 2 कंपनीज अपग्रेड हुई है 3 में से और 1 कंपनी डाउनग्रेड हुई है। तो अगर अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो देखें तो वो 2:1 रहा है फर्स्ट हाफ में, व्हिच इज गुड न्यूज फ्रॉम अ क्रेडिट पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली, सो अपग्रेड्स हुए हैं बेहतर यहाँ पर एज अगेंस्ट डाउनग्रेड्स, और ये क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। सर आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी, एक ब्रॉड प्लान ब्लूप्रिंट आप रेडी कर रहे थे टू ग्रो द कंपनी फ्रॉम वेयर इट इज, किस तरीके के वॉल्यूम्स एंड मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट करेंगे आगे, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे ऑन अ ब्रॉडर सेंस? आई नो एक विजन कंपनी ने बनाया है जिस पर आप चल रहे हैं, बट थोड़ा सा हमें उस पर डिटेल दीजिए, इफ़ यू कैन शेयर अ बिट मोर डिटेल्स ऑन द काइंड ऑफ फोकस आपका होगा ऑन मोर इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाएंगे और कैसे, इफ यू कैन इलैबोरेट सर। बिल्कुल स्वाति, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी का बहुत अहम हिस्सा है कि हमको अपने रेवेन्यूज को डाइवर्सिफाई करना है। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारी 90-95% रेवेन्यूज और इनकम रेटिंग से आती है जो कि बहुत हाई डोमिनेंस है रेटिंग्स की। वो अच्छा बिजनेस है, बहुत बहुत फ्री कैश फ्लो का बिजनेस है, अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन है उस बिजनेस पे, लेकिन शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ी नेसेसिटी है।
तो हम वो नेसेसिटी पे काम कर रहे हैं। जैसा मैं आपसे पिछली बार भी शेयर कर चुका हूँ, हमारे दो या तीन एरियाज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। एक एरिया है जिसमें हम अपना जो रिस्क सॉल्यूशंस बिजनेस है, वो हमारी 100% सब्सिडियरी है, उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमने एक नए सीईओ को भी लिया है रिसेंटली। उन्होंने बहुत साल बहुत बड़े एक मेजर आईटी मेजर में काम किया है, उनको लिया है, और उनके चलते वो टीम पूरी तरह से एक अलग सी टीम और स्ट्रॉन्ग टीम बन रही है, और वो टीम रिस्क सॉल्यूशंस का जो हमारा बिजनेस है उसको ग्रो करेगी इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। इसी तरह हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कंपनी से एक हमारे सीईओ लिए, जो एडवाइजरी और कंसल्टिंग प्रैक्टिस के ऊपर बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं। तो जो टॉप लाइन आप देख रहे हैं उसमें आज की डेट में उसकी कंट्रीब्यूशन डबल भी हो जाए तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि हमारे कंपनी के जो सब्सिडरीज है वो काफी छोटे हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस फर्स्ट हाफ में कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट हाफ से 33% की बढ़ोतरी है हमारे सब्सिडरी बिजनेसेस में। चाहे वो छोटे बेस पे है तो 33% भी 3 या 4 या 5 करोड़ ही ऐड करेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 or 5 years, स्वाति जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारी कम से कम एक तिहाई टोटल टर्नओवर, जो इस ग्रुप की टर्नओवर है उसकी एक तिहाई टर्नओवर जो है ये दो कंपनीज ऑर्गेनिकली जो हम बिल्ड कर रहे हैं इससे आएगी। हमारा काफी फोकस डाइवर्सिफिकेशन पे भी है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ हाई क्वालिटी रेटिंग्स कंपनी, वी वॉन्ट टू ऑल्सो बिकम अ वेरी हाई क्वालिटी एनालिटिक्स कंपनी, और उसके लिए जैसा आप जानती हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो हम डेटा पे बहुत फोकस कर रहे हैं, हमने अपना पूरा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट कर लिया है। अब हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक इंटेलिजेंट लेयर लगा रहे हैं ताकि उसके बेसिस के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें और अपने क्लाइंट्स की डिसीजन मेकिंग को इजी कर सकें। तो ये हमारी हाई लेवल स्ट्रेटेजी है, और हम धीरे धीरे प्रोडक्ट रोल आउट करते रहेंगे ताकि हम इस पाथ के ऊपर हमेशा अग्रसर रहें। सर, फंड्स इस वक्त किस तरीके की कंपनी को चाहिए? आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कह रहे हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? एनी फंड रेजिंग रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम सर फॉर द कंपनी टू ग्रो, क्योंकि आप एक्सपेंशन मोड में हैं जैसा आप बता रहे हैं? स्वाति जी, हम थोड़ा हर कंपनी का एक कल्चर होता है। हमारा कल्चर है कि हम कंपनी को मतलब बहुत अग्रेसिवली एक एरिया में सारे पैसे नहीं डालना चाहते। हमारे पास 470 करोड़ रुपए के आसपास कैश है केयर रेटिंग्स की बैलेंस शीट पर, और वो मैं समझता हूँ कि बहुत काफी है हमारे जो फ्यूचर प्लान्स है उनको मीट करने के लिए। तो हमारी इस समय कैपिटल रेजिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। 470 करोड़ रुपए का कैश है आपके बुक्स पर और उसको यूटिलाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए।